तो कैसे हो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं कैफ और आज की इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं बक्सर का रामरेखा घाट। और मैं आपको बता दूं, ये भी सुमित्र की नगरी बक्सर है। इसका पुराना नाम व्याघ्रसर भी हुआ करता था। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, जो कि अब इसका नाम बक्सर कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं। अब जो मैं यार पीछे देख रहे हैं वो सब गंगा नदी के घाट है, जो कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। पहले नहीं हुआ करते थे, बहुत दिक्कत हुआ करती थी छठ पूजा के टाइम। अब बनने के कारण बहुत ही आसान हो गया और लोग आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये सब बनवाने के लिए। लोगों का बहुत भला हो गया। छठ पूजा टाइम में भीड़ लगता था, बहुत वहाँ जाम हो जाता था। अब बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, सब कोई अच्छे से पूजा कर लेता है। और भी बहुत सारे दिन में पूजा के दिन रहता है तो आसानी से पूजा लोग कर लेते हैं। शाम का टाइम होते ही बहुत से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और बहुत से लोग यहाँ स्नान भी करते हैं, इसीलिए वहाँ सामने भीड़ लगी हुई है। बहुत से लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और लोग मछली भी पकड़ रहे हैं, मछुआरे भी यहाँ आया करते हैं। इसका रामरेखा घाट नाम पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि रामायण काल में जब श्री राम यहाँ से जाते थे तो बहुत से राक्षसों का वध किया था और वो गंगा नदी के तट से ही गए थे, इसीलिए इस घाट का नाम हो गया रामरेखा घाट। और बक्सर शहर की सबसे बड़ी बात यह है कि ये दो राज्य को बीच में पड़ता है, दो राज्यों के बीच में यूपी और बिहार। इसकी उधर साइड में जो उधर देख रहे हैं वो यूपी है, इधर साइड में जहाँ मैं खड़ा हूँ वो बिहार है, इसीलिए उधर साइड का भी इधर टावर पकड़ता है मोबाइल पे। और वो जो पुल देख रहे हैं पीछे, वो सारीपुर का पुल है, जिसे लोग सारीपुर का पुल कहा करते हैं। उसका नाम है वीर कुंवर सिंह ब्रिज, जो कि 1977 में बनाया गया था। बोर्ड देख रहे हैं या बड़ा से बोर्ड देख रहे हैं, ये उस पार जाने के लिए, उस पार यूपी पड़ता है और इधर साइड से आदमी जाता है उस पार। देखिए उस पार यूपी है। जो पेड़ देख रहे हैं या आप जो टावर देख रहे हैं, जो यूपी का टावर है, हम लोग बिहार में खड़े हैं। मैंने बताया था जैसे कि आप बक्सर एक दो स्टेट के बीच में बसा हुआ शहर है, गंगा नदी के पास में ही। और ये जो आप देख रहे हैं ये नाव, ये उस पार जाएगा। अभी स्टीमर है, ये नाव नहीं है, स्टीमर, ये उस पार जाएगा। जाने का खर्च होता है 5 से 10 रुपये। दोस्तों आप लोगों ने देखा बक्सर का रामरेखा घाट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।